अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सहाश व्लॉग। ये देखिए, आज मैंने बाय किया है कैनवुड का फूड प्रोसेसर। ये जो है मल्टीप्रो एक्सप्रेस ऑल इन वन सिस्टम है इसमें, और ये ब्रिटिश का डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका जो नंबर है FDP 65.750 वॉट का है, और ये न्यू आया है मार्केट में। और इसका मैं दिखा दूँ इसमें क्या क्या है। इसमें 1.5 लीटर का ब्लेंडर है, इसमें जूस एक्सट्रैक्टर भी है, सिट्रस जूसर भी है, मल्टी मिल भी है, और इसमें बेकिंग टूल्स भी हैं। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मैं अभी इसको अनरैप करूँगी, अनबॉक्सिंग करूँगी। अच्छा, इसमें जो है ये चॉपर टाइप का भी है, जो है 3 लीटर बाउल है, और ये ब्लेंडर है, एक्सट्रैक्टर ये रहा। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें एक स्पैचुला भी दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी इसको आपको अनरैप करके दिखाती हूँ। हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले मैं इसको दिखा दूं, ये देखें यहाँ पे इसकी जो है जितने भी फंक्शंस हैं इस फूड प्रोसेसर में, यहाँ पे इसकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये देखें इसमें जो है ये चॉपिंग का कटर दिया हुआ है, ये स्लाइस का कटर दिया हुआ है इसमें, ये टू टाइप्स के। और ये जो है इस ग्रेट करने के लिए क्या क्या कटर होते हैं इसमें, जो ब्लेड्स होते हैं वो दिए हुए हैं। ये ब्लेंडर है, इसके अलावा हम बेकिंग के लिए ये वाला टूल दिया हुआ है इसके अंदर। और ये प्यूरी भी बन सकती है इसके अंदर, जो मल्टी फंक्शनल मिल दी हुई है इसमें, ये छोटी सी। और ये जूसर दिया हुआ है, और इसके अलावा ये स्क्वीज करने का अलग से दिया हुआ है, जिसमें हम ऑरेंज वगैरह का स्क्वीज कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये बता दूँ, ये कैनवुड की जो है ये इंस्ट्रक्शन बुक है। इसमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी तफसीली इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको समझना हो कि कौन सा टूल किस चीज़ के लिए है, तो हम इस बुक में आराम से पढ़ सकते हैं। और इसका जो है ये मेन पार्ट है, नीचे की जो इसकी मशीन है बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। ये न्यू कलर आया है इसका, प्योर वाइट कलर, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें ये अच्छा दिया हुआ है, ये प्लग है, इसके साथ एक स्पैचुला दिया गया है, जिससे हम इजीली जो है अपना जो मसाला मिक्सचर जो भी है हम वो उसके अंदर से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसमें दिया गया है हासले फ्री, इसके साथ ये ब्लेड दिया गया है। ये देखें, इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें जो ये ब्लेड आया है न्यू, ये काफ़ी शार्प है। और इसकी ख़ास बात यह है, एक मिनट में एहतियात से निकालती हूँ। ये देखें, पहले जो ब्लेड आया करता था उसकी उसमें ये था कि ये बिल्कुल सिंपल सा था, सिंपल ब्लेड था, लेकिन अभी आप देखेंगे इसका ब्लेड ये धारी धारी सी बनी हुई है। इससे हम इजीली जो है इसमें कीमा भी बना सकते हैं, नॉर्मल सी गोश्त की बोटियाँ डाल के हम इससे कीमा बना सकते हैं बहुत ईजीली। इस ब्लेड की ये ख़ास बात है, और इसको आप भी थोड़ा एहतियात से रखिएगा क्योंकि ये बेहद शार्प है। ओके फ्रेंड्स, ये है। इसके अलावा एक और इसमें ये दिया हुआ है, ये जो है जूसर है, ठीक है। ये देखें, इसका ये डबल फंक्शन है। इस तरह से करके इसमें हम कोई भी फ्रूट्स, जिस तरह ऑरेंज वगैरह या ग्रेप फ्रूट, पोमेग्रेनेट, ये डाल के आराम से इसको किस तरह से यूज़ करना है वो तो हम बुक में पढ़ ही सकते हैं। ये इनका जो है, इन्हें यहाँ साइड पे रख देती हूँ। इसका जो ऊपर का कवर होता है कैप, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत इजीली हम इससे जो है अपनी चॉपिंग भी कर सकते हैं, ऊपर से डाल के कीमा भी बना सकते हैं।
ये देखें फ्रेंड्स, इसमें अगर हमें सिंपल सा कीमा बनाना हो या कबाबों का हमें मिक्सचर तैयार करना हो तो इसको हम आराम से जो है इसको बंद करके ये ऊपर का जो हिस्सा दिया हुआ है यहाँ से डालते जाएं और हमारा कीमा आराम से बन जाएगा। और इसके जो है और भी फंक्शंस हैं वो ये कि इसमें जो है आप अनियन कट कर सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल को स्लाइस कर सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर स्लाइसर्स दिए हुए हैं, कटर दिए हुए हैं, ये देखें। इसमें तीन किस्म के कटर दिए गए हैं, ब्लेड्स दिए गए हैं। इसमें जो है ये है थोड़ा मोटा स्लाइसर है, इससे जो है हम खास ये चॉपिंग का है जो बारीक बारीक अगर आपको टोमेटो कट करना है या कैरेट गाजर का हलवा बनाना है उसके लिए, या आपको बिल्कुल आलू जो है बिल्कुल वो बारीक ग्रेट करना है, ग्रेटर है ये। और ये भी ये बारीक, उससे भी बारीक है ये, ठीक है। और इसमें वो काफ़ी बारीक जो है कटर दिया गया है, ये तीन इसमें ब्लेड दिए गए हैं। और इसको हमें इसी के अंदर लगाकर ये वाला जो है इसके अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको ऐसे बंद करके तो मशीन चलाएंगे तो हमारा आराम से हम जो भी चाहेंगे वो काम हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये दिया गया है, इसमें स्क्वीज़र दिया गया है नॉर्मल, एक तो मैनुअल होता है, ये हम जूसर में आराम से लगा के इसमें स्क्वीज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, अच्छा इसकी ख़ास बात ये है कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है और इसकी प्लास्टिक काफ़ी मतलब वो नहीं है हार्ड टाइप की जो लगे कि गिरने से टूट जाएगी, नहीं, इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। और अगर आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि दिखने में ही लग रहा है कि बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है इसका ये बेकिंग के लिए दिया हुआ है, आप जो है इससे आराम से बेकिंग कर सकते हैं, आप केक की डो तैयार कर सकते हैं, आप कुकीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं, नॉर्मली आटा भी गूंथ सकते हैं, ये दिया गया है। और दूसरे अगर ब्लेंडर से फूड प्रोसेसर लें तो उसमें इतना अच्छा ये नहीं होता है आटा गूंथने का, बहुत छोटा सा दिया हुआ होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसमें हम आराम से इस ब्लेड की जगह अगर हम ये लगा दें और अपना आटा इसमें डाल दें, थोड़ा पानी अंदाजे से डाल दें, तो हमारा आटा आराम से गुन जाएगा। जब आटा गुन जाएगा तो हम केक के लिए भी बैटर तैयार कर सकते हैं, और अगर हमें कप केक बनाने हैं या हमें पैन केक बनाने हैं तो हर चीज़ का बैटर इसमें आराम से तैयार हो जाएगा। और ये दिया गया है ब्लेंडर जग, ब्लेंडर जग के अंदर दी गई है ये हमारी मिक्सी मिल, मल्टी मिल, इसमें हम अपना चटनी वटनी भी बना सकते हैं, हम इसमें मिर्चे चॉप कर सकते हैं। ये खुलेगा यहाँ से, ये देखें, आराम से इसमें आपको जो भी डालना है, अपना मसाला डाला आपने, इसको यहाँ से बंद किया, मिर्ची डालनी है, लहसुन अदरक पीसना है, कुछ भी करना है, सूखा मसाला गरम मसाला तैयार करना है वो सब भी आप इसमें आराम से कर सकते हैं। और अपना इस पे लगाया और हमारा तैयार, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम अपने मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं और काफ़ी सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेंडर है, आपको कुछ भी ब्लेंड करना है, आपको टोमेटो ब्लेंड करने हैं, पेस्ट तैयार करना है किसी चीज़ का, तो आराम से हो सकता है। इसमें भी ये पेपर दिया गया है सिक्योरिटी, आई थिंक ये क्या है, ये सेफ्टी का है इसका, कि इसमें हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है ये यूज़ करते हुए, तो ये हम बाद में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आप लोग ये ज़रूर यूज़ करिएगा, और मैं अगर कुछ कुकिंग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी ये यूज़ करते हुए। तो इसमें ये स्पैचुला भी बहुत अच्छा है, पूरा फुल प्लास्टिक का है, ऐसा नहीं है कि पीछे जो है वो वुड का दिया हुआ हो और आगे प्लास्टिक हो, नहीं, ये फुल स्पैचुला जो है प्लास्टिक का दिया गया है। और इसका ये ग्रे कलर इसमें बहुत सूट कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा, तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कैनवुड जो है बेस्ट एंड बेस्ट कंपनी है, और ये इसके प्राइस जो है $190 हैं। और आप इसको अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप जो यूज़ करते हैं अपनी ऑनलाइन शॉप वहाँ से आप
चेक कर सकते हैं, वरना लोकली तो ये आराम से मिल जाता है, क्योंकि बेस्ट एंड बेस्ट कंपनी है, आप जहाँ चाहेंगे आपको वहाँ से ये मिल जाएगी। तो ये ब्रिटिश की डिज़ाइन की हुई है और मेरी फेवरेट है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। ओके गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।